हेलो बच्चों, आज हम लोग गेमा कप के बारे में बात करेंगे। गेमा कप क्या होता है, किस प्लांट में पाया जाता है और इससे रिलेटेड चीज़ें क्या क्या होती हैं, तो वन बाय वन देखते हैं। GEWM में गेमा कप ठीक है ना। इसमें देखेंगे, फिगर थोड़ा सा बना लेते हैं आप ऐसे। यहाँ पे ऐसे गोलाकार होता है, बहुत सारे गेमिंग होते हैं। तो ये गेमा कप है, और ये क्या होती हैं, बीच में गेमी होती है ये। ये जो छोटे छोटे होते हैं, आप देखेंगे ध्यान से तो ये देखने समझ में आ जाता है गेमी। और ये मार्केंसिया में आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। इसको बोल देते हैं मास ऑफ सेल्स। ये हो गया, ये मॉडिफाइड बर्ड ऑफ टिश्यू जो बोल देते हैं, ए मॉडिफाइड बर्ड ऑफ टिश्यूज, ठीक है ना, नोट कर लेंगे। अब इसमें आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो ये आप देखेंगे कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये देखने से लग रहा है इसीलिए इसका नाम पड़ गया कप लाइक गेमा कप। तो ऐसे लिख सकते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर्स, देखने से समझ में आ जा रहा है कप लाइक स्ट्रक्चर है और जिसमें गेमी पाई जाती है, तो कंटेनिंग गेमी, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे कि ये छोटे होते हैं, तो लिख देंगे स्मॉल, छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे, डिक्स ऑफ हैप्लॉइड टिश्यूज के बने होते हैं, ये थोड़ा फिगर जरूर याद करेंगे। गेमा कप, ये फ्रंट बॉडी है गेमा कप, उसके अंदर गेमी पाया जा रहा है। तो ये हैप्लॉइड टिश्यू बने होते हैं और डायरेक्टली गिव्स राइज टू क्या करते हैं, न्यू गैमेटोफाइट देते हैं, न्यू गैमेटोफाइट्स, यानी ये डायरेक्ट यानी टूटते हैं, निकलते हैं और एक नए पौधे को जन्म दे देते हैं। अब इसके आगे आप लिख सकते हैं ये जो गेमी होते हैं, तो ये गेमी जो छोटे छोटे होते हैं गेमा कप के अंदर, ये आर मीन्स ऑफ, ये आप देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे ब्रायोफाइट में पाए जाते हैं, तो उसी के जैसे ये वर्क करते हैं। फाउंड इन
मेनी ब्रायोफाइट्स। तो ये जो गेमी निकल रहा है तो ये एक नए पौधे को जन्म देते हैं और इसीलिए इनको ये सेक्सुअल मोड ऑफ बोल देते हैं गेमी को रिप्रोडक्शन। आप इसको मार्केंसिया में बहुत आसानी से देख सकते हैं और ये देखेंगे फॉर्म ऑन गैमेटोफाइट बॉडी। जैसे आप देख रहे हैं उसी पे ये बन जाता है। अब इसका फंक्शन देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो इसका मेन फंक्शन दिख रहा होगा, लिख देंगे मेन फंक्शन मेन फंक्शन में क्या होता है। आप गेमी कब सॉरी गेमा कब नोट कर लेंगे। मेन फंक्शन ऑफ गेमा कब, अभी चाय पीने वाला कप नहीं है, ध्यान से देखेंगे कप कप वर्ड आ रहा है तो इसमें चाय नहीं पी सकते हैं, ये बहुत ही छोटा होता है लेकिन स्ट्रक्चर कप लाइक जैसे ही रहता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया गेमा कप। तो मेन फंक्शन ऑफ द गेमा कप इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसका, इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये टूट के गिरता है और नए पौधे को जन्म देता है तो इसीलिए इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है ना। हिंदी में वर्धी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है ऊपर से नोट कर लेते हैं। अब ये जो टूट के गिरता है तो इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि गेमा सेपरेटेड, सेपरेट हो रहा है मदर प्लांट से तो सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट। मेन प्लांट है उसी को पेरेंट बोल देते हैं, पेरेंट एंड डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल एंड डेवलप इनटू ए न्यू डाई इंडिविजुअल, ठीक है ना। अब ये गिरा यहाँ, मैं पौधे को जन्म दे दिया फेवरेबल कंडीशन में, तो उसी को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत रखते हैं। ये आप बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है मार्केंसिया में, अक्सर प्रैक्टिकल में बीएससी फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल में इसको दिखाते हैं, फिर एग्ज़ाम में भी शॉर्ट नोट्स में भी आता है, ऐसे कंपटीशन में भी बहुत बार आया हुआ है, ऐसे पूछ देता है गेमा गेमी रिलेटेड टू विच आर द फॉलोइंग ब्रायोफाइट रिडोजिम्नो, ऐसे पूछ देता है, कभी कभी ब्रायोफाइट के स्पेशली किसी स्पीसीज का नाम दे देता है, तो ऐसे पूछ लेता है, ठीक है ना। इसमें किसी को डाउट, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लेंगे, यहीं क्लोज करते हैं इसको। ओके बच्चों, खूब अच्छे से इसको समझ में आ गया होगा, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, कोई भी डाउट होगा जरूर पूछेंगे। रटना नहीं चाहिए, रटने से अच्छी तैयारी नहीं होती, आप बस समझिए, समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो कभी भी आप कैसे भी क्वेश्चन किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन में घुमा के देते हैं तो आप इजीली कर लेते हैं, तो इसीलिए आपको रटना नहीं है, समझने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, बाय बच्चों।